लोकसभा के तीसरे चरण के लिए लगभग अधिकतर सीटों पर शांतिपूर्ण रहा मतदान। 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 91 लोकसभा सीटों के लिए लोगों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। यहां भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच देखा गया त्रिकोणीय मुकाबला। देश की जानी मानी हस्तियों ने भी मतदान कर अपने अधिकार का किया इस्तेमाल। लोगों से चुनाव में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने की अपील। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा पर जितना कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खिलेगा। आज सुबह प्रियंका गांधी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने देश में मोदी की लहर से इनकार किया। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में फटकार लगाई। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर भाजपा ने सिद्धारमैया के चुनाव आयोग से की थी शिकायत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के झुंझुनू में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर कांग्रेस का घोषणा पत्र चुराने का आरोप लगाया। झारखंड के गुमला जिले में एक घटना में कल रात चुनावी ड्यूटी पर तैनात इंडियन रिजर्व बटालियन के एक जवान ने अपने ही 3 साथियों को गोली मार दी। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक भीमसेन तूती ने बताया कि आरोपी जवान राइफल समेत फरार। बिहार के मुंगेर में आज मतदान शुरू होने के कुछ वक्त पहले ही एक बम धमाका हुआ, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। धमाके में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 13 अंक मजबूत होकर 22,715 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.20 अंक की तेजी के साथ 6,796 अंक पर पहुंच गया। इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें संस्करण की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 16 अप्रैल को गत विजेता मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस सीजन में कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें होंगी, जिन्हें चयनकर्ताओं ने पूरी तरह से नजरअंदाज किया है।